Hello and welcome to Swati Maiti's interesting videography channel. आलो से लेके मेचुका का जो ट्रिप है वो अभी भी जारी है. इस जर्नी का 4 एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे. अभी हम लोग यापू विलेज क्रॉस कर रहे हैं, YAPU. ये जगह शिओमी डिस्ट्रिक्ट में आता है. ये देखिए एक लाइन होटल. वाओ, ये क्या है, कितना सुंदर वॉटरफॉल देखिए. यहाँ तो रुकना है, डेफिनेटली यहाँ रुकना है, पिक्चर लेना है और थोड़ा टाइम पास तो जरूर करना है प्लीज. सामने देखिए ब्रिज है, रुकने देगा क्या पता, देखते हैं चलिए. इसका मतलब ये आलो मेचुका रोड के एकदम ऊपर ही पड़ता है, रास्ते से ये वाटरफॉल दिख जाएगा. यहाँ देखिए किसी चर्च से ये बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा है मे गॉड विद यू ऑलवेज. इसमें स्मेराइजिंग झरने का नाम है शिकोडिडो वाटरफॉल जो 200 फीट ऊपर से गिर रहा है. प्रोबेबली चर्च से ये क्रॉस बनाया गया है. ब्रिज के साइड पे एक वुडन स्टेयर है, छोटा सा टूटा फूटा सा, उससे हम उतर के अभी वाटरफॉल के पास आ गए हैं. पता नहीं मोबाइल पे मैंने कितना कैप्चर कर पा रही हूँ, लेकिन सच मानिए ये तो हेवन, हेवनली व्यू है ये. मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. একটা ছবি তোলো না, मैं तुषार को फोटो खींचने के लिए बोल रही हूँ. इतना सारा पानी ऊपर से नीचे गिर के एक पुल जैसा बन गया है, देखिए. लेकिन मुझे लग रहा है बरसात के टाइम पे इस जगह पे जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ वहाँ तक पानी हो सकता है, क्योंकि तब तो पानी का, झरने का पानी का फ्लो और ज़्यादा हो जाएगा, है ना. तो मुझे वही लग रहा है तब मैं जहाँ पर अभी खड़ी हूँ वहाँ नहीं हो पाऊँगी. थोड़ा स्लो मोशन में ले लिया. ऐसे ही मेचुका के नज़दीक जैसे हम जा रहे हैं तो ठंडा बढ़ रहा है, और अभी इस वाटरफॉल के सामने तो बहुत हवा चल रहा है ठंडा, और पानी के छोटे छोटे बूंदे भी आ रहे हैं, छींटे भी आ रहे हैं. और देखिए मैं हाफ स्वेटर में हूँ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, एकदम हाथ पैर सुन्न होने लग गया.
देखो आप जम गया पूरा आप स्वेटर में। नेचर जब अपना ब्यूटी बटोरते हैं ना तो उसके सामने सब फीका पड़ जाता है। देखिए शिकोडिडो वाटरफॉल से टाटो विलेज का डिस्टेंस नियर अबाउट 23 किलोमीटर्स है और टाइम लगता है 28 मिनट्स वहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा ही टाइम लगता है। ये तो गूगल मैप में 28 मिनट्स दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना टाइम बताए थे हर जगह में उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। क्योंकि रास्ता और पहाड़ी रास्ता मतलब टेरे मेरे और उबर खबर रास्ते के चलते टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जो गूगल मैप में टाइम दिया हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है हर जगह पे। शिकोडिडो वाटरफॉल एग्जैक्टली जिस जगह पर है वो उस जगह का नाम है इर्गो विलेज, IRGO इर्गो विलेज। ये विलेज टाटो सर्कल में आता है और यहाँ से टाटो 18 किलोमीटर्स दूरी पे है और इर्गो विलेज खुद एक ग्राम पंचायत है। यहाँ टोटल पॉपुलेशन 190 पीपल है और सिर्फ 41 हाउसेस वहाँ पर है। कभी कभी मुझे भी तो लगे ना कि मेरा भी कोई फोटो खींचे, तो ये देखिए तुषार है ना वो पीछे से खींच रहा है मेरा फोटो। ये तुषार का लिया हुआ शॉट है। झरने का पानी इस साइड से देखिए निकल रहा है, ब्रिज के ऑपोजिट साइड से ये पहाड़ की तरफ झरने का पानी निकल के जा रहा है।
कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम लोग शिकोडिडो वाटरफॉल छोड़ के आगे बढ़ने लग गया। इर्गो विलेज के बाद चाड़ू बोल के कोई विलेज हमें मिलने वाला है, लेकिन अभी तक कोई हम लोग ऐसा नेम प्लेट वगैरह नहीं देखे हैं, तो पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली हम लोग वो क्रॉस कर गए हैं कि नहीं। इस रास्ते में केवल नदी के ऊपर से नहीं, झरने के ऊपर से भी ऐसे ब्रिज में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, इस बार झरने के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए झरना है शायद। यहाँ देखिए रास्ते के दोनों साइड पे छोटा छोटा वायलेट कलर का फूल खिले हुए हैं। नाम नहीं जानते हैं उस फूल का, लेकिन देखिए रास्ता इतना नैरो है और एक साइड पे खाई और एक साइड पे माउंटेन, इसीलिए सामने से कोई गाड़ी आ जा रहा है तो मतलब दिक्कत हो रहा है, बहुत सावधानी से पास देना पड़ रहा है। ये लोअर टाटो एरिया है, सामने देखिए, ये देखिए बाएं साइड पे यहाँ पर लिखा है आलो, यहाँ से 126 किलोमीटर और मेचुका 55 किलोमीटर्स दूर पे है, तो इसका मतलब है हम लोग टाटो के नज़दीक हैं। हाँ, ये देखिए वी आर इन टाटो नाउ। अभी हम लोग टाटो में पहुँच चुके हैं। ये टाटो सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। टाटो और टाटो विलेज एक है या अलग है, कोई बता सकते हैं हमें? पता नहीं, हमें तो पता नहीं, किसी को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। यहाँ लिखा है हम लोग अभी 4,492 फीट ऊपर है। अरे बाप रे, सामने देखिए, अच्छा पहाड़ काट के एक केव जैसा बना के अंदर मंदिर बनाया हुआ है। देखिए रास्ता बहुत नैरो है, अभी थोड़ा डर भी लग रहा है, ऊपर से अगर कोई पत्थर गिर जाएगा तो क्या होगा, क्या जाने। टाटो से मेचुका तक का रास्ता खराब मिलेगा, ये हम लोगों को पहले से ही मालूम था, तो अभी देख रहा है कि हाँ सच में ही खराब है रास्ता, मानसून में तो शायद आने लायक नहीं बचेगा अगर रास्ता ठीक उस टाइम नहीं हुआ तो। लेकिन रास्ता बनने का काम देखिए जोर शोर से चल रहा है, ये देखिए। अभी रास्ता तो है लेकिन बहुत ज्यादा अनइवन रोड है। शिकोडिडो वाटरफॉल के बाद ये देखिए और एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल बिल्कुल रास्ते के ऊपर, लेकिन इस झरने का नाम पता हमें मालूम नहीं है,
कहीं पर कोई बोर्ड नहीं देखा हम लोग। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। यहाँ हम रुके नहीं, गाड़ी स्लो करके धीरे धीरे हम लोग निकल गए हैं, अभी आगे जा रहे हैं। देखिए टाटो से शायद हम लोग आगे निकल गए हैं। ये टाटो या टाटो विलेज का टोटल पॉपुलेशन 286 अप्रॉक्सीमेटली पीपल है और वहाँ का लिटरेसी रेट है 23%। ये देखिए, ये एक न्यूली बिल्ट ब्रिज है जो अभी कुछ टाइम पहले ही इनॉगरेट हुआ है। इस ब्रिज का ये देखिए इनॉगरेशन हुआ है, ये देखिए लिखा है कुछ टाइम पहले ही हुआ है इसका इनॉगरेशन। हम लोग टाटो क्रॉस कर गए हैं, या इसका मतलब हम लोग मेचुका के नज़दीक आने वाले हैं। एक्साइटमेंट और बढ़ रहा है, रास्ता और भी ख़राब हो रहा है। देखिए हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम लाएंगे इस जर्नी का और एक पोर्शन। तब तक हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, एंड न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। And thank you so much for watching my video. Thank you.